हेलो क्लास, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर पावर और ऊर्जा, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए ध्यान से। इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, बीच में दोनों में ऊर्जा और शक्ति, एनर्जी एंड पावर में डिफरेंस समझाते जाएंगे। आप लोगों को भी बीच में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि वोल्टेज के बारे में डेफिनेशन, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वोल्टेज वी क्या कहा था, टू डिस्प्लेस अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी, ए और बी के बीच में ये पोटेंशियल है वी, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज क्यू इज इक्वल टू वन, क्यू प्लस इज इक्वल टू वन। तो वॉट इज वी, वी वॉज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। If Q is equal to 1, then V is equal to W. तो वोल्टेज वाज डिफाइन, वोल्टेज की परिभाषा की गई थी कि वोल्टेज वो कार्य है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। वर्क डन in bringing a unit positive charge from a point A to B is known as the voltage between those points, between A and B. अगर voltage V है तो work done per unit charge, तो work क्या हो गया, W is equal to V into Q, ये हो गया work। और Q आप जानते हैं, व्हाट इज Q, I, I की डिफिनेशन क्या है, I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T, सो Q इज इक्वल टू करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I into T। अब इसको पुट अप कर दीजिए तो W इज इक्वल टू V I T W, हम वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क और एनर्जी आर सेम थिंग, व्हेन वर्क इज डन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड टू प्रोड्यूस एन एनर्जी वर्क इज डन। अब पावर, इसके विषय में आज हम, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो गए, तो पी पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो समझ लीजिए, ये मिटा दें इधर, आप समझ लो एक 100 kg गेहूं है, उसको सीढ़ी से ले जाके एक बच्चा रखता है, छोटा बच्चा है या कोई कमजोर आदमी है, छोटा बच्चा मान लो 7-8 साल 10 साल का है, तो 5-5 किलो ले जाके वो छत पे पहुंचा देता है, तो उसको टाइम लगेगा, 20 बार जाएगा आएगा। और एक तगड़ा आदमी है जो
बोरे को पीठ पे रखा और सीढ़ी पे चढ़ के एक बार में पहुंचा दिया। तो क्या हुआ, वर्क डन तो सेम है, काम तो ठीक है, उतना ही है। कितना काम हुआ कि 100 kg गेहूं को जमीन से छत पे फर्स्ट स्टोरी पे पहुंचा दिया गया। अब एक ने पहुंचाया घंटे भर में, एक ने पहुंचा दिया 5 मिनट में। तो जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, पावर किसकी ज्यादा हुई, जो जल्दी काम कर दे, फास्ट काम कर दे, वो ज्यादा शक्तिशाली है। काम अगर बराबर है तो एक आदमी कम समय में कर देता है, एक आदमी उसी काम को करने में ज्यादा समय लेता है। तो पी पावर, पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पी इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिया था W, तो एक तो हो गया V इंटू क्यू, ये W बाई टी, ये ले लीजिए V I T और अपॉन T, तो दिस इज इक्वल टू VI। और यहाँ वर्क की यूनिट थी जूल और टाइम की जूल पर सेकेंड। अब यहां क्या हो गया, ये पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ये भी हो गया VI, वोल्ट एम्पियर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूं ही V की वोल्टेज वोल्ट होता है तो वोल्ट, I की एम्पियर होता है तो एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। और ये इसके बराबर है, या कहो जूल पर सेकेंड, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वाट, मतलब एक जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। और इलेक्ट्रिक पावर को इसी यूनिट में वाट में नापा जाता है। अब आप देखिए पी को किस किस रूप में लिख सकते हैं, एक तो हुआ वी आई, ठीक, देखिए हमने वर्क से शुरू किया यानी एनर्जी से शुरू किया और पावर की डेफिनेशन दी, और सीधा सीधा कुछ नहीं, यहीं से पावर की डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। एंड पी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, और डब्ल्यू आप जानते ही हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहां तक पहुंच गए, अब देखिए इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, एक तो वी आई हो गए, पी इज इक्वल टू वी आई और दिस इज वाट, दूसरा ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए वी और आई को डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ क्या है, वी क्या कहता है, वी इज ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर, ये उसका इक्वेशन है, तो आप वी की जगह पर आई आर लिख सकते हैं, तो आई आर वी की जगह पर आर इंटू आई, तो ये हो गया, यहां लिख देते हैं आई स्क्वायर आर, आर इज रेजिस्टेंस, तो एक पी एफ हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या करते हैं इससे, इसमें V की वैल्यू रखे थे, इसमें I की वैल्यू रख सकते हैं, यहां से I क्या हो जाएगा V बाई R, तो I की जगह पर V रख सकते हैं, तो P क्या हो जाएगा, ये I की जगह पर V बाई R, तो V है ही है, और I की जगह पर V बाई R, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कुछ नहीं,
असली आपका वी आई है, और कहीं अगर ऐसा आ जाए आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो भी पावर है, कंफ्यूज मत कीजिए, टिक लगाने वाले क्वेश्चन में आ जाए। तो ये कहाँ से, ये कन्वर्टेबल है, ये तीन वेरिएबल है वी आई आर, तो वी को आई आर के टर्म में लिख सकते हैं, आई को वी और आर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशंस हैं जिससे, और तीनों क्योंकि पी है तीनों, तो सबकी यूनिट वाट, वाट डब्ल्यू ए डबल टी वाट, और वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड पावर। ओके, स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए थोड़ा सा, ये बुक में नोटेड है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है यूपी में, यूपी इंडिया नॉट इन यूपी, कहीं कहीं अलग भी है वोल्ट और वोल्टेज के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं आप घर में, हाउस होल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट किसके बीच में, फेज एंड न्यूट्रल, सिंगल फेज की बात हो रही है। और जो आपके इसकी फ्रीक्वेंसी कॉमन मैन के लिए कोई माने नहीं रखती है, बट जान लीजिए फ्रीक्वेंसी एच से डिनोट होता है, या एफ से कर सकते हो, ये होती है 50 हर्ट्ज, एच जे, इसका 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकेंड। आया समझ में कुछ, ये जो है ये मान लो टंगस्टन का बल्ब है, ये जो आपका बल्ब हुआ करता था, समझे, इसमें जब ये पॉइंट ये था और ये था, इधर ये दो एंड जो है ये 50 बार ये चमकता था तो ये डार्क रहता था, ये लाइट तो ये डार्क, और ये डार्क तो ये लाइट, यानी एक सेकंड में 50 बार चेंज होता। कहने का मतलब जो है कि ये जो आपका जनरेटर है, अब थोड़ा गहरे में चले जाएंगे इसलिए छोड़ दीजिए, अगर 2 पोल का जनरेटर है तो वो एक सेकंड में 50 चक्कर मारेगा, 50 साइकिल पर सेकेंड। जो आपके बड़े बड़े थर्मल पावर हाउसेस में जनरेटर्स होते हैं उनकी स्पीड होती है 3000 rpm, 3000 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट, पर सेकेंड निकालेंगे तो 50 revolution rps पर सेकेंड, यही फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए, इससे आपको अभी कोई विशेष मतलब नहीं है, हम तो ये बताना चाहते थे कि आप ये जान लीजिए अपने नॉलेज के लिए, जो घरों में अप्लायंसेस यूज होते हैं ट्यूब रॉड बल्ब इत्यादि, उनका पावर कितना होता है वी और आई। तो वी तो आपका फिक्स है, ये तो फिक्स है जो घरों में 220 वोल्ट, अब वो करंट कितना लगा उससे आप निकाल सकते,
तो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब है, इसमें जो दिया है वही बताते हैं, ट्यूबलाइट है, ये 40 वाट की होती है, या वाट पावर, ये क्या है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें वाट में, तो ट्यूबलाइट की 40 वाट। अब बल्ब जनरली अब तो CFL आ गया जो 60 वाट, और CFL तो 7 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 5 वाट का भी आता है, नहीं तो फिर बड़ी क्राइसिस हो जाती है अगर CFL की खोज नहीं होती। फैन 100 वाट, सीलिंग फैन 100 वाट का, आपका रेफ्रिजरेटर 150 वाट, फ्रिज 150 वाट, ये सबसे छोटा वाला 65 लीटर वाला, 65 लीटर वाला, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसको कहते हैं, प्रेस करना, इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन ये 750 वाट, इसमें अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है इसलिए ज्यादा पावर लेता है। इलेक्ट्रिक हीटर, जो हीटर यूज करते हो वो 1000 वाट का होता है, ये सबसे हल्का वाला होता है, 1500 वाट का भी आता है, और मोटा वाला जो है 2000 वाट का आता है, बहुत तेज हीट देता है। और देखिए जो आप पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड यूज करते हैं, इमर्सन रॉड वो होती है 1500 वाट की, इसलिए सोच समझ के याद कीजिए, बिजली का बिल बहुत आएगा। वॉशिंग मशीन, तीन किलो वाट की, 3000 वाट। तो ये कुछ मेन मेन अप्लायंसेज हैं जिसके बारे में बता दिया मैंने। अगर आप करंट निकालेंगे तो आप गुणा भाग करके निकाल लीजिए, ये पावर दिया हुआ, एक की निकाल के देख लीजिए, PV I, तो I = P/V, P कितना है, इजी वाला निकाल, चलो 40 ट्यूबराड का ले लो, पावर कितना है 40 वाट, क्या है 40 वाट, डिवाइडेड बाई V कितना है 220 सिंगल। अब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/11, इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो 0.2/11 कर लीजिए, पॉइंट लगाइए, 1 + 11 कितना 9 बचा, तो 8 88, बस अप्रॉक्सीमेटली 0.18 एम्पियर इतनी सी करंट लेगी। ठीक बेटा, ऐसे आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए तो क्लियर हो जाए, वैसे भी इट वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। What will be the current drawn by an electrical bulb of 40 watt? Current पूछ रहा है। When it is connected to a source of 220 volt? तो अभी निकाले। यही है। 40 watt का बल्ब है, अगर 220 volt के सोर्स से जोड़ दिया जाए
तो कितनी करंट लेगा, 0.18, इसको तो निकाल चुके हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए उसकी रेटिंग लिखी होती है, दो चीज रेटिंग कैसे लिखते हैं, जो जो बिजली का सामान है, जो अप्लायंसेज है, उपकरण है जो आप प्रयोग करते हैं, उस पर रेटिंग कैसे लिखी होती है, इस समथिंग जिसे बल्ब पे लिखा होता है, दो चीज लिखी होती है 220 और लिखा 40W, मतलब इतने वोल्टेज पे काम करेगा तो इसकी पावर होगी 40 वाट, वोल्टेज लिखा होता है। तो एंड क्वेश्चन अब सुनिए, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, रेटिंग क्या लिखी है बल्ब पे, ये लिखी है एक बल्ब है उस पर लिखा है 220 एंड 100W, ये लिखा हुआ है। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 100 watt, 75 watt, 50 watt, 25 watt। कहता है वोल्टेज जब ऑपरेट कर इसको जोड़ते हैं जब V is equal to 110 volt, पर जोड़ते हैं तो पावर क्या होगी, तो P is equal to VI, ठीक है। तो दो चीज दिया हुआ है 110 वोल्ट पे जोड़ते हैं, ओके ओके, ये है ये है, पहले तो इसको लीजिए जो रेटिंग लिखी है, ये रेटिंग लिखी है वी, जब वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट तब इसकी डब्लू है 100 वाट, ठीक है। तो इससे निकालिए पी इज इक्वल टू वी आई, इसे करंट निकाल लीजिए कितनी करंट लेगा, पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी है 100, वी है 220, तो आई ये करंट आई निकलेगा, तो आई इज इक्वल टू 100 बाई 220, समझे। हाँ तो करंट पूछ रहा है इसमें, तो करंट हो गई इतना, इसके हिसाब से करंट हो गई दिस मच, पार्ट ये था करंट कितनी होनी चाहिए, पार्ट इज आई, ये रेटिंग है तो कितनी करंट लेगा, 220 से जोड़ा गया। अब दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है, पार्ट बी है अगर इसी को लिखा तो 220 है, लेकिन अगर V इज इक्वल टू 110 वोल्ट इससे जोड़ दिया जाए, अगर 110 वोल्ट के सोर्स से 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो कितना पावर होगा, देन W इज इक्वल टू हार्ड, देन इफ, अब ये बल्ब बना है इसके लिए लिखा है 220 100, तो 100 वाट है इसका, इफ वी इज इक्वल टू 110 वोल्ट, अभी मान लो किसी देश में 110 हो, देन वहां पे इसकी पावर क्या निकालोगे, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, इसकी पावर क्या होगी ये निकालना है, तो पी इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। अब इस फार्मूला से इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अब इसमें केवल V दिया हुआ है, I तो दिया नहीं है, तो इसके लिए इससे हम जो है निकालेंगे I नहीं, जो चीज फिक्स है, अलग वो वोल्टेज से जोड़ेगा तो अलग करंट देगा, एक दूसरा फार्मूला था जो हमने कन्वर्ट किया था I, V is equal to IR, तो I is equal to
वी वाई आर, तो इससे हम पुटअप कर देंगे वी वाई आर आई की जगह पर, तो वी स्क्वायर बटे आर। अब इसका इसलिए कर रहे हैं कि कोई बल्ब है तो जिसमें जो रेजिस्टेंस है तार लगा है वो तो वही रहेगा, बाकी वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकती है। जब 220 से जोड़ोगे तो कुछ करंट जाएगी, 110 से जोड़ोगे तो कुछ करंट जाएगी, लेकिन जो बल्ब बना है उसकी बनावट तो हम नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आर की बात कर रहे हैं। अब ये पहले वाले फार्मूले से ये तो निकल गया, इससे आप आर निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई, R इज इक्वल टू वी बाई आई, तो V 220 यहां था, I कितना था, दिस मच, यानी 100 इंटू 220 R। तो अब आप इससे V स्क्वायर यहां 110 वोल्ट से जोड़ दीजिए तो पावर क्या होगी बल्ब की, इफ V इक्वल टू 110 वोल्ट, अगर इस बल्ब को हम 110 वोल्ट पे यूज करें तो पावर कितना देगा, तो V स्क्वायर यानी 110 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R। अब R की वैल्यू यहां से हम निकाले थे, जो रेटिंग दी हुई है उससे R निकाल लिया था हमने, तो R निकाला है 220 दो बार है स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 ठीक है। तो ये देखो 110 बटे 220 की होल स्क्वायर और इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 वाट। कितना पावर इसे ले सकेंगे हम, है ये 100 वाट का, लेकिन अगर हम 100 वाट कब मिलेगा, जब 220 वोल्ट पे जोड़ेंगे, व्हेन वोल्टेज इज 220, तो ये बल्ब देगा 100 वाट। अगर हम इसको 110 पे यूज करेंगे तो पावर देगा 25 वाट, 1/4 हो जाएगा, क्यों, ये रेजिस्टेंस फिक्स है। चलो ये करंट निकालने वाला मिटा देते हैं, आप सीधा देख लीजिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R तो ये बल्ब है तो ये तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया R, फॉर ए गिवन बल्ब, फॉर ए गिवन बल्ब R इज कांस्टेंट, ओके, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ओके। अब क्या है, इसका P ले लो P1, तो P1 बाई P2, पहला वाला P1 क्या है, V1 क्या है, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, ठीक, तो ये है 220 स्क्वायर, और ये कितना है 110 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 1/2, ये पूरा कितना हो जाएगा 220 बाई, ऐसे लिख लो 220 बटे 110 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। P1 बाई P2 ये हो गया 4, उलट दो इसका, अब निकालना P2 है तो P2 इधर ले आओ, तो यहां P1 बाई 4, तो P1 है आपका 100 220 पे, और ये P2 P1 बाई 4 हो जाएगा, यानी 25। सीधा वहां से निकाल सकते हो फार्मूला से, बीच में कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यह है फार्मूला,
आर कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर, इससे सीधा पी टू निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो आप घर में विद्युत प्रयोग करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीटर पड़ता क्या है। देखिए वाट जो है, वाट बड़ी छोटी यूनिट है, तो इसकी जगह पर हम किलोवाट लेते हैं जो हमारा विद्युत का मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो घरों पे लगा होता है, वो पावर पड़ता है के डब्ल्यू में, पावर के एनर्जी पड़ता है सीधा सीधा एनर्जी। देखिए पी इज इक्वल टू वी आई और वो एनर्जी पड़ता था, एनर्जी यानी वर्क, तो वी आई टी टाइम भी जुड़ गए, तो वी आई वाट था और ये सेकंड था, तो वाट इनटू सेकंड, तो ये था जूल। लेकिन जो ये जूल बड़ी छोटी यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रिक मीटर आपका पड़ता है, एक यूनिट बराबर होती है उसकी वन U, one unit of electrical energy जो घर में कंज्यूम करते हो या इलेक्ट्रिसिटी कर लो, वो वन यू बराबर होती है वन के डब्ल्यू और एच। ये जो पावर होती है वाट, इसको लेते हैं किलो वाट। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट किसमें होती है, के डब्ल्यू एच में, के डब्ल्यू एच, एच के इस्तेमाल में लिखते हैं किलो वाट आवर, सिंपल सा। तो ये देखिए अब जूल से इसमें तुलना करेंगे तो बहुत डिफरेंस निकलेगा, तो के डब्ल्यू एच दिस इज द कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डब्ल्यू एच, किलो वाट आवर। मीटर यही रिकॉर्ड करता है, मंथली रीडिंग होती है, मान लो हर महीने पे करना होता है, तो मीटर की यूनिट दिस मंथ माइनस प्रीवियस मंथ जो भी आया, मान लीजिए आ गया 780 यूनिट आ गया के डब्ल्यू एच एक महीने की फॉर वन मंथ 780, तो जो भी रेट है 8 रुपीज 7 रुपीज उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका कितना पे करना है।
अब जूल में और इसमें क्या रिलेशन निकलेगा? के डब्ल्यू एच में 1 के डब्ल्यू एच बराबर कितना जूल हो जाएगा? देखो जूल होता है वाट इंटू सेकेंड। जूल क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो हम के डब्ल्यू एच 1 के डब्ल्यू एच को 1 जूल बराबर 1 वाट इंटू सेकेंड, तो 1 के डब्ल्यू एच को हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो के डब्ल्यू है तो 1000 डब्ल्यू हो जाएगा वाट, ठीक है। और ये आवर पर सेकेंड में बदलना है, तो 60 से गुणा किया 60 से तो मिनट, एक घंटे को वाट आवर को और एक बार और तो ये सेकेंड हो गया। अब ये हो गया 1000 इंटू 60 इंटू 60 वाट इंटू सेकेंड, तो ये जूल हो, तो सीधा सीधा निकल आए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ये और 2 जीरो ये, 36 एक यहाँ भी। देखो ये जीरो इससे मिला लो, जीरो जीरो अलग निकालो तो ये 36 36 और कितने जीरो 3 ये और 2 ये, 1 2 3 4 5 अच्छे। यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दो ये हो जाएगा 10 to the power 6, तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 ये हो गया जूल, ठीक। तो 1 kWh यानी एक यूनिट कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है घर में यूज करते हो तो एक यूनिट यूज किए तो कितने जूल 3.6 × 10⁶ जूल्स के बराबर हो। ये हो गया, अब और आगे बढ़े धीरे धीरे, समझ में आ गया। इसमें तो बड़े पुराने पुराने क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। रेडियो की बात कर रहा है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड? वो 60 वाट पावर दे दिए, 50 आवर्स पावर है, टाइम है, तो आपको करना क्या है? वर्क निकालना है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो W इज इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी है वर्क, वर्क आर एनर्जी, वर्क आर एनर्जी, ठीक है। क्या होगा? P इंटू पावर इंटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि पावर की डिफिनेशन ही है रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो W इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो एनर्जी E से डिनोट कर लो, P इंटू टी, पी दिया हुआ ये 60 वाट, टाइम दिया हुआ 50 आवर, तो जूल में निकालना है तो उसको सेकेंड में कर लो। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में निकालना है तो के डब्ल्यू एच निकालना है, ठीक है। 50 आवर तो ये 50 एच आवर आई है, अब इसको 60 वाट को के डब्ल्यू में बदल लो तो 1000 से डिवाइड कर दो और ये 50 आवर आई है तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू एच, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो मीटर पड़ता है उसमें आ जाएगा।
60 वाट का रेडियो है या बल्ब है, कोई है, कोई चीज है, अगर उसको यूज किया जाता है 50 घंटे तो कितने यूनिट बिजली खाएगा, कितना kWh, यूनिट मतलब kWh, इसको BTU भी कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड ने ही सब शुरू किया था भाई वहाँ से, तो इसको यूनिट को BTU ब्रिटिश ट्रेड यूनिट BRITISH ब्रिटिश ट्रेड यूनिट बेचने का कमर्शियल कॉमर्स ट्रेडिंग व्यापार, तो यूनिट को BTU, तो इसको kWh, इसका जो मात्रक हुआ यूनिट हुआ कि किलो वाट और आवर, इसकी यूनिट को मिला के बना दिया गया यूनिट kWh, यानी kW निकालिए, किलो वाट निकालिए और आवर, मीटर डायरेक्ट kWh में रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जब एक डिजिट बढ़ेगा आगे तो मतलब एक kWh करोगे। इसको आप जूल में कर सकते हो, तो मैथमेटिक्स है ये, 3 kWh है, 3 kWh बराबर 3, अब जूल में वाट इंटू सेकेंड, तो kW को 1000, या अभी जो बताए थे डायरेक्ट 3.6 इंटू 10^6, और अब ये 3000 वाट हो गया, और आवर को सेकेंड में, तो 60 × 60, बस करना लिया मल्टीप्लाई सब हो जाएगा, या डायरेक्ट जो आपको याद हो 1 kWh अभी निकाले थे हम लोग, 1 kWh = 3.6 × 10^6 जूल, ये निकाले, इसको पुट ऑफ कर दो या सीधा से ये निकाल लो, ये वही तो है 3.6 × 10^6, तो 3 × 10^6 जूल, मल्टीप्लाई कर डालिए निकल जाएगा, ठीक। अब यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दिया हुआ है छोटा छोटा। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, यूनिट के हिसाब से कॉस्ट होती है, जो रेट है जहाँ का उस रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में NCERT की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तब तक यहाँ समाप्त करते हैं, थैंक यू।